हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा ही होगा, इस वीडियो में मैं कैंपस एक्स का डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को लॉन्च करने वाला हूँ एंड आई थिंक इट्स अ बिग ओकेजन एटलीस्ट फॉर मी। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा हूँ एक कम्युनिटी बिल्ड करने का, बट ऑनेस्टली आई फेल्ट कि आई वॉज नॉट रेडी और मुझे लगा मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए, बिकॉज मैं आधा अधूरा काम नहीं करना चाहता था। एंड आई टुक अ गुड 2 मंथ्स का पीरियड जहाँ पे मैंने कॉपी पेन पे जाके प्लान किए चीज़ें और मुझे लगता है कि अब मैं रेडी हूँ टू लॉन्च अ कम्युनिटी विच विल एक्ट एज अ बैकअप टू दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मुझे आपसे 3 बातें करनी है। फर्स्ट मैं आपको अपना मोटिव बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड, मैं आपको अपना विजन बताना चाहता हूँ कि मैं इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के थ्रू क्या अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा विजन क्या है। और थर्ड, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो लास्ट में मुझे आपसे वो भी बताना है कि आप इस कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हो और बड़ा बनाने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मोटिव, द रियल रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी। सो अब हम लोग अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क ब्रीच कर चुके हैं और आई टेल यू कि धीरे धीरे वो जो नंबर ऑफ मैसेजेस मुझे आने लगते हैं वो बढ़ गए हैं और लोगों को एरर्स आते हैं और लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो पहले वो नंबर बहुत कम था, तो मैं पर्सनल लेवल पे जाके फिर भी हैंडल कर लिया करता था। अब ऐसा हो रहा है कि दिन में 50 लोग मैसेज कर रहे हैं और रिजॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है कि सिंस इट इज़ अ टेक यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम डेटा साइंस रिलेटेड बातें कर रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग करने के प्रोसेस में आपको एरर आएगा, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन मुझे यही दिखाई दिया कि वी शुड हैव आवर ओन कम्युनिटी जहाँ पे एक्टिव हों लोग और एक दूसरे का हेल्प करें। सो लेट्स से अगर कोई नया बंदा है, उसने कोडिंग स्टार्ट की और कहीं पर जाके फंस गया, तो वो आकर के हमारी कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट डाले और हम उसको रिजॉल्व करें, उसका हेल्प करें। तो दिस वॉज द फर्स्ट मोटिव कि मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, बट अगर कभी आप फंस रहे हो तो वहाँ से निकालने का काम करने के लिए आई वॉन्टेड अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। दूसरा है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं एज अ चैनल, हम बड़े हो रहे हैं, अराउंड 20,000 लोग हैं हमारी फैमिली में, आई फील कि हम इसका ट्रू पावर तब तक यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक हर कोई से बात ना कर पाए। मतलब अगर सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ आप मुझसे बात कर सकते हो और सिर्फ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हम अपनी पावर को। ट्रू पावर लाइज इन कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटी हमेशा आगे बढ़े है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो आई फील कि मैं आपको, हम सबको ये पावर देना चाहता हूँ कि हम 20,000 लोगों में कोई भी किसी और के साथ बात कर पाए, एंड देन आई फील कि हम और ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख पाएंगे, चीज़ें और तेज़ी से ग्रो करेंगी। तो 2 मोटिव्स यही है। पहला बहुत ही माइन्यूट एक मोटिव है कि एरर्स जो आते हैं वो रिजॉल्व हो जाए, और दूसरा आई वॉन्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन कम एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन कनेक्ट विद पीपल, यू कैन बिल्ड योर ओन स्मॉल नेटवर्क। आप अगर स्टडी पार्टनर्स खोजना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको लोग मिल जाए, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको लोग मिल जाए, अगर आपको डाउट्स है करियर रिलेटेड तो आप यहाँ पे आके पूछो। और हम बेसिकली एक एक्टिव कम्युनिटी बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ जहाँ से हम एक दूसरे का हेल्प कर पाएँ, और होपफुली कभी आपको किसी बहुत कॉस्टली पेड कोर्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कंटेंट का प्रॉब्लम मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्व कर देगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम ये कम्युनिटी सॉल्व करे। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल मोटिव है इसको बनाने के पीछे। अगर हम विजन की बात करें तो विजन के हिसाब से मेरा विजन है टू मेक दिस कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ इन इंडिया अराउंड डेटा साइंस। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग जाने इस कम्युनिटी को और लोगों को पता हो कि यार भाई अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है ना तो इस कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ, यहाँ पे लोग यार तगड़े हैं, यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करना जानते हैं, और अगर आप कभी भी फंसोगे ना तो ये आपको हेल्प कर देंगे। यहाँ पे आपको जॉब के रेफरेंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के रेफरेंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कभी कोड में एरर आ रहा है तो लोग वहाँ से आपको निकाल देंगे। यहाँ पे कुछ सच में बहुत हेल्पफुल लोग हैं जो हेल्प करना जानते हैं। तो मेरा विजन है एक ऐसा कम्युनिटी बनाने का, और ऑब्वियसली ये सारी सर्विसेज सिंस आपकी तरफ से आएंगी तो फ्री होंगी, और
फ्री यार, मतलब बहुत लोगों को हेल्प करेगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें. तो दिस इज़ द विजन टू मेक दिस कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट डेटा साइंस कम्युनिटीज इन इंडिया एंड लेट्स से होपफुली कभी फ्यूचर में इन द वर्ल्ड. बट येस, मेरा विजन ये है, ठीक है, इसकी तरफ मैं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है. सो वन लास्ट थिंग वुड बी कि मुझे आपकी तरफ से क्या हेल्प चाहिए. बहुत सिंपल है यार, आपके बिना कम्युनिटी है नहीं, मतलब आप आओगे तभी ये कम्युनिटी बनेगी. आपकी साइड से मुझे दो हेल्प चाहिए. पहला कि आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द कम्युनिटी, तो प्लीज़ डू कम एंड ज्वाइन दिस कम्युनिटी. बट जब आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करो ना, तो दो अप्रोचेज होते हैं. एक होता है कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ लेके आऊँगा. दूसरा होता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ दे के आऊँगा. तो यार प्लीज़ आप सेकेंड वाले अप्रोच से आओ. आप यहाँ पर आओ और ये एटीट्यूड रखो ना कि यार भाई मैं हेल्प करने जा रहा हूँ, ये मैं नेकी करने जा रहा हूँ और मैं हेल्प करूँगा जिसकी भी परेशानी होगी. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करने में उतना सीखोगे ना जितना आप अकेले बंद रूम में बैठ के पढ़ के नहीं सीख पाते. मैंने जितना डेटा साइंस मशीन लर्निंग आपको पढ़ा के सीखा है ना, मैं शायद कभी नहीं सीख पाता अगर मैं अकेले पढ़ रहा होता. तो प्लीज़ यहाँ पर आओ और ये एटीट्यूड कैरी करो कि मुझे डेली यार एक बंदे को हेल्प करना है, ठीक है. मेरे को कुछ एक चीज़ हेल्प करनी है लोगों की. आई वुड शेयर सम आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा, आई विल शेयर इट विद द कम्युनिटी. तो यार मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि आप सिर्फ आके यहाँ पे मेहमान की तरह मत रहो कि यार मैं बस साइलेंटली रहूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं मांग लूँगा. नो, बी अ फैमिली मेम्बर, बी अ फैमिली मेम्बर और फील करो कि यार सामने वाले को प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प देम. और ट्रस्ट मी, अगर आप करोगे ना ये 6 महीने करके देखो, आप खुद में ग्रोथ फील करोगे, ठीक है. तो दैट इज़ माई फर्स्ट रिक्वेस्ट. माई सेकेंड रिक्वेस्ट वुड बी कि ऑल दो मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की हैं इस कम्युनिटी के अराउंड कॉपी पेन लेकर के, बट मुझे लगता है कि मुझे आपसे भी लेना चाहिए कुछ सजेशंस. और आप यार मुझे बताओ, इस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो इस कम्युनिटी में, क्या होना चाहिए, ठीक है. मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हैं कि मैं पीरियोडिकली कुछ इवेंट्स कराऊंगा, मैं कुछ लाइव लेक्चर्स कराऊंगा, मैं क्विजेस कराऊंगा, मैं हैकाथॉन्स कराऊंगा. ये सारी प्लानिंग मैंने कर रखी है, ठीक है. और धीरे धीरे हम उसकी तरफ मूव भी करेंगे. और बट मुझे आपकी साइड से सुनना है, बिकॉज आई फील आप लोग थोड़े इंटेलिजेंट हो. मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं पास में एंड आई फील कि इस चैनल का ऑडियंस का इंटेलेक्चुअल लेवल इज़ क्वाइट हाई. कभी कभी तो मेरे को लगता है आप लोग मतलब काफ़ी सही लेवल के हो. तो प्लीज़ लेट मी नो यार, आई वॉन्ट टू सी आप क्या देखना चाहते हो इस कम्युनिटी में. एंड आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू कि मैं इस कम्युनिटी को उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा आपके जो कमेंट्स होंगे, ठीक है. तो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, दिस इज़ द सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग वुड बी कि नीचे लिंक है, ज्वाइन करो. और अभी मैंने बस कुछ चैनल्स क्रिएट कर दिए हैं, बहुत ही लॉजिकली कुछ रूल्स डाल दिए मैंने. एक आपका, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं आपको झट से दिखा देता हूँ हमारी कम्युनिटी कैसी दिख रही है. और प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करो और स्टार्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी को, ठीक है. चलो, सो यार ये ऐसी दिखाई दे रही है हमारी कम्युनिटी अभी. ऑनेस्टली मुझे अभी डिस्कॉर्ड के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है और मैं अभी और सीख रहा हूँ. लोगों ने बहुत एडवांस कम्युनिटीज़ बना रखी हैं, वो लोग कुछ कुछ बॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं. तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा और मैं चीज़ें इंप्रूव करूंगा. ऑब्वियसली आप भी मुझे हेल्प करोगे, बट फिलहाल यार मैं आपको बताता हूँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है. मैंने कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है. तो आई वुड लाइक कि जब आप ज्वाइन करो तो सबसे पहले स्टार्ट हेयर पे जाओ. यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने बता रखे हैं. यार देखो, कम्युनिटी में रूल्स होने चाहिए. अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे या रूल्स होंगे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. तो ये 10 रूल्स मैंने अभी फिलहाल सोचे हैं और आई फील कि आप एक बार इनको पढ़ो और प्लीज़ इनको वॉयलेट ना करो, ठीक है. सेकेंड, आई वुड लाइक कि जैसे आप आओ, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो यार, ठीक है. ये एक चैनल है जहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो खुद को. बढ़िया होगा अगर आप अपनी स्टोरी एक शॉर्ट पैराग्राफ में बता दो और कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताओ अपने बारे में. जैसे अगर मैं लिखूंगा ना यहाँ पे अपने बारे में, तो मैं लिखूंगा कि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं. तो ये मेरे बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई. तो आप अपने बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग लाइन बताना जिससे सामने वाले को पढ़ के लगे यार इस बंदे से कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है. तो ये हो गया स्टार्ट हेयर. आई वुड लाइक कि आप यहाँ से स्टार्ट करो. उसके बाद हमारी कम्युनिटी में जनरल कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात होगी. जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो विच इज़ क्वाइट जनरल, ठीक है, मतलब AI का करेंट स्टेट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, इस तरह की चीज़ों का अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो तो यू कैन टॉक अबाउट जनरल. इन जनरल लेट्स से कुछ नया टूल आया है जो अभी बहुत न्यूज़ में है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो. तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे डालो. सजेशंस में आपके जो सजेशंस हैं इस कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है. अगला है फाइंड अ पार्टनर. सो लेट्स से आप पढ़ाई चालू करना चाहते हो डेटा साइंस का, तो आप यहाँ पे जा करके अपने
रिक्वेस्ट को डाल सकते हो कि मुझे इस तरह का रिक्वायरमेंट है, कोई इंटरेस्टेड है तो साथ में आ जाओ, ठीक है। ये मैंने एक फन एंड मीन्स डाला है बिकॉज आई फील कि थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए कम्युनिटी में, थोड़ा मजा होना चाहिए। तो कभी कुछ आपको लगे कि मजेदार है और वर्थ शेयरिंग है, यहाँ पे डालो। हम भी कभी थके होंगे और कभी एक ब्रेक लेने का मन करेगा तो विल कम टू दिस प्लेस एंड विल स्क्रोल थ्रू द मीम्स, मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट आइडियाज, नाम से समझ में आ रहा है, बहुत लोग सोचते रहते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाए ना बनाए। तो कभी अगर किसी के दिमाग में आए कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे डाल दो, फ्यूचर में कोई भी आएगा पढ़ेगा देखेगा और यार वो उसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। अगला है स्टडी रिसोर्सेज, यार शेयर कर डालो जो भी आपको लगता है, कोई और यूट्यूब चैनल का भी आप यहाँ पे नाम डालोगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो भी आपको हेल्प करता है ना पढ़ाई करने में, वो आप यहाँ पे डाल दो। कुछ भी अगर आपको नोट्स मिलते हैं, कुछ भी आपको अगर इन्फोग्राफिक्स मिलता है, कोई ब्लॉग मिलता है, कोई यूट्यूब चैनल मिलता है, कोई वीडियो मिलता है, जो भी आपको कुछ सिखा रहा है उसको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दो यहाँ पर स्टडी रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये हो गया जनरल। अगला है अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स में यार दो तरह के अनाउंसमेंट्स हैं। यूट्यूब पे अगर मैं कुछ करने वाला हूंगा जो कुछ बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूट्यूब अनाउंसमेंट्स में, और डिस्कॉर्ड में अगर कुछ नया ऐड होगा, कुछ इवेंट्स होंगे, हैकाथॉन्स होंगे, क्विजेस होंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अनाउंसमेंट्स ये हो गया, ये मेन चीज है यार। अगली वाली हेल्प आई एम स्टक, ये मेन रीजन है। बच्चों को जो एरर्स आते हैं, आपको एरर्स आते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन है। कभी भी आप कोडिंग करते करते फंस जाओ, अगर कोई कंसेप्चुअल डाउट है तो कंसेप्चुअल डाउट में डाल दो, और अगर आपके कोड में कोई एरर आ रहा है तो यार स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और मैं हम बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी ने अगर यहाँ पे डाला और दिख रहा है कि थोड़ा परेशान है, प्लीज यार हेल्प देम, ठीक है। उसके बाद मेन चीज यहाँ पे है डेटा साइंस रिलेटेड सारा डिस्कशन, अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने अभी यहाँ पे सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं। कभी भी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, या फिर कुछ आइडियाज आए, या फिर कुछ सजेशंस हो रिलेटेड टू डेटा साइंस, तो आप उसके रेलेवेंट टॉपिक में उस चीज को डालो, ठीक है। यहाँ पर वी विल डू डिस्कशंस अबाउट दीज टॉपिक्स, ओके। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है करियर एंड जॉब्स। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, लेट्स से आपने नया नया स्टार्ट किया डेटा साइंस की फील्ड में, आप घुसे और आपको चाहिए है कुछ नॉलेज, तो आप यहाँ पे डालो, ठीक है। अगला है जॉब ओपनिंग्स। अगर आपको पता है कि कहीं पे कोई जॉब अभी अवेलेबल है या कोई रेफरल लिंक है आपके पास, तो यार यहाँ पे डालो आप और बाकी लोगों को हेल्प होगी। और इसका ठीक काउंटर पार्ट है इंटर्नशिप्स के लिए, ये वाला सेक्शन मैंने जॉब और इंटर्नशिप्स को अलग रखा है कि इंटर्नशिप वाले यार जो बच्चे हैं वो इंटर्नशिप पे फोकस करें और जो जॉब के ऊपर हैं वो जॉब के ऊपर जाएं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग मीन्स रेज्यूमे, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट, आपका मीडियम प्रोफाइल, जो भी चीजें आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाना चाहते हो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि मेरा रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए, आप चाहो तो रेज्यूमे बना के यहाँ पे डाल सकते हो, कोई और आपके लिए रिव्यू कर देगा। तो बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग रिलेटेड सारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड द लास्ट सेक्शन इज इंटरव्यू प्रिपरेशन, विच इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। तो यार कभी आप लोगों में से कोई कुछ इंटरव्यूज दो और आपको यार लगे कि यार ये सॉलिड सवाल पूछा गया मेरे से, तो ये रेलेवेंट सेक्शन में आप उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को डाल सकते हो, या अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप पूछ भी सकते हो, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये यार मुझे इस पॉइंट पर सबसे लॉजिकल स्ट्रक्चर लग रहा है कम्युनिटी को स्टार्ट करने का। आई एम वेरी श्योर कि 2 महीने बाद ये कम्युनिटी थोड़ा और अलग दिखाई देगा, थोड़ा और बेटर हो जाएगा, बट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यार आप लोग ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि कहाँ पे क्या कमी है, उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो बस यार फिर मतलब वेट करना ही नहीं है, आप ज्वाइन करो जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ एंड आई वेलकम यू विथ ऑल माई हार्ट। लेट्स मेक दिस अ बिग कम्युनिटी, अ हेल्पफुल कम्युनिटी, और ऐसा कुछ बनाते हैं कि यार मतलब लोगों को पता चले कि यहाँ पे कुछ सॉलिड पक रहा है, ठीक है। तो चलो लेट्स ज्वाइन दिस कम्युनिटी, आई एम वेटिंग, बाय।